अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट जून की डेट अनाउंस हो चुकी है और जो इसकी डेट टेंटेटिव डेट अनाउंस हुई है वो हुई है 30 जून 2024। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो है 4 जून 2024 से पहले पहले कंपलसरी है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें HEC की वेबसाइट पर। और जो टेंटेटिव डेट है लॉ गेट टेस्ट की वो है 30 जून 2024। अब इतने कम टाइम के अंदर, यानी कि नियर अबाउट कोई 35 to 40 days के अंदर किस तरीके से लॉ गेट कवर किया जाए, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जाए, आज का लेक्चर उन एस्पिरेंट्स के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियसली हमने गोल्डन बैच स्टार्ट किया था और करेंटली हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिल्वर बैच। अब इस सिल्वर बैच के अंदर जैसे कि आपको पता है कि नियर अबाउट कोई 5 days a week हम जो है क्लासेस कंडक्ट करते हैं, तो 40 days के राउंड अबाउट हमारी क्लासेस बन जाती हैं 28 to 30 classes। अब इस 30 classes के अंदर किस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे कोर्स को कवर करना है, क्या पैटर्न होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस सेम ही है, QSO है, CPC है, CRPC है, PPC है और लीगल एथिक्स के अलावा हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद आ जाता है आपका लीडिंग केसेस, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं 100 marks। अब इन 100 marks में से किस तरीके से 50+ ऑब्टेन किए जाए, 80+ ऑब्टेन किए जाए इस कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो सिल्वर बैच की क्लासेस हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो है 1 week देंगे QSO को, 1 week देंगे CPC को, यानी 1 week के अंदर 5 days हो गए। फिर उसके बाद हम देंगे 3 days किसको, CRPC को, 3 days देंगे PPC को, और फिर 2 days देंगे हम लीगल एथिक्स को, और उसके बाद इन सब को भी 2 days देंगे। ठीक है, और वेब जनरेटेड टेस्ट प्रीवियसली जो है 1 week होता था और अब जो है पैटर्न चेंज करके हमने 2 days के बाद every after 2 days हम ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होगा जिस पैटर्न के साथ मैं आपको लेके चलूँगा। तैयारी कहाँ से करनी है, अगेन एंड अगेन यही कहूँगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू दैट बैरक्स के अलावा किसी किस्म की गाइड, किसी किस्म के नोट्स हेल्पफुल नहीं है। लॉग एट अगर पास करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ बैरक्स पर फोकस करना है। जितना ज़्यादा बैरक्स पर कमांड हासिल करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना लॉग एट अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाएँ। अगर आप बैरक्स पर फोकस नहीं करते तो क्या होगा, तो डेफिनेट सी बात है आप 50% ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको बहुत ही लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कि ये समझते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए लॉ गेट को क्लियर करने का। तो फिर वो एस्पिरेंट किस तरीके से तैयारी करें, वो हमारा 3 months का प्लान ज्वाइन करें जो कि गोल्डन बैच है। इस सिल्वर बैच को ज्वाइन हर किस ना करें, गोल्डन बैच की हम प्रिपरेशन करवाते हैं और 100% पासिंग गारंटी भी देते हैं एवरी स्टूडेंट को। सेकेंडली कि अब ये जो पैटर्न है, अगर बात की जाए कि पैटर्न क्या फॉलो होगा, इस बार किस नोयत के क्वेश्चंस आएंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे या फिर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे या फिर कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप सबको अगेन एंड अगेन बताता चलूँ कि लॉ गेट का पैटर्न अब जो है टोटली डिफरेंट हो चुका है। अब वो क्या करता है कि HEC आपके किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की एक वर्डिंग को उठाता है, कॉपी करता है वहाँ से, बुक से, और फिर एज इट इज़ उसको पेस्ट कर देता है आपके टेस्ट के अंदर। अब जिस कैंडिडेट ने फॉर सपोज के बैरक्स पढ़े होंगे, जिस कैंडिडेट ने फॉर सपोज के इलस्ट्रेशंस पढ़ी होंगी, वही कैंडिडेट अब पास कर सकेगा। सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लेने से, सिर्फ और सिर्फ बैरक पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। बैरक भी पढ़ें साथ ही साथ क्लासेस भी अटेंड करें, लेकिन मेरी क्लासेस आप तब अटेंड करें कि जब आप बैरक खुद से पढ़ लें, वो सेक्शन जो आज कल हमने डिस्कस करने हैं आज ही उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करने के बाद ही आप इस कैपेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे कि आप जो है
क्लास अटेंड कर सकें और आपको क्लास के अंदर जो भी हम समझाएंगे वो आपको सारी की सारी क्लियर हो। अदरवाइज़ होता है कुछ इस तरीके से कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लेते हैं और उनको हरगिज़ समझ में नहीं आती कि क्लासेस के अंदर चल क्या रहा है। सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो वो पीपीसी की बुक ओपन कर रहे हैं, पीपीसी पढ़ रहे हैं तो वो सीआरपीसी की बुक ओपन कर रहे हैं। अब देखें, करना आपने सिंपली ये है कि अगर फॉर सपोज़ कि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी के ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि एक दिन पहले आपने सीपीसी के ऑर्डर्स को ख़ुद से पढ़ने की कोशिश कर दी, उसके बाद आपने क्लासेस को अटेंड करना है। क्लासेस किस तरीके से होंगी? क्लासेस आप सबको पता है कि हम जो है थ्रू जूम ऐप या फिर वेब, हमारे पास जो YouTube रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिस तरीके से मैं अभी जो है आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इसी तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेल होंगी एवरी कैंडिडेट को जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कैंडिडेट का, तो वो कर सकता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।